18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहां पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको? जिस जो आजादी के बाद एक लोकतंत्र माना जाता था और जिसका लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है और ये लोकतंत्र हमारे संविधान में गढ़ा हुआ है, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा और बनाया उन्होंने जीवन इस देश के लिए दिया। एक नहीं थे, बहुत सारे लोग थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, और हमें गर्व है आज अपने देश पर जिसके संविधान में लिखा है कि हर जने को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने पंचायतों को सत्ता देकर यह अधिकार मजबूत बनाया। आज देखिए आज की परिस्थिति क्या है। आज तमाम पंचायतों को मुश्किलों में डाल दिया है, और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की, भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है, आपको कमजोर कर रही है। 1.5 साल में मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपका ही अनुभव रहा होगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या किया। किसानों के कर्ज माफ किए, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 600 रुपए बनाया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई, 1000 गौशालाएं खुलवाई। 1.5 साल की बात कर रही हूं मैं, 18 साल की बात नहीं है ये। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक खोले, इससे आपको भी सुविधा मिली होगी। ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल की परियोजना शुरू की। ये 1.5 साल का काम था बहनों और भाइयों, 18 साल का नहीं।